ऋतिक रोशन की फाइटर को हर तरीके से एक अलग किस्म की फिल्म बनाने की तैयारी चल रही है। फिल्म का हर एक सीन, इसके एक्शन, ऋतिक के धांसू अदायगी जैसी तमाम चीजों पर काम चल रहा है। इसके लिए फिल्म पर पानी की तरह पैसा भी बहाया जा रहा है। फाइटर की बजट 300 करोड़ के पार बताई जा रही है और ऋतिक भी फिल्म में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए खूब पैसा ले रहे हैं। तो आखिर पठान के डायरेक्टर से लेकर ऋतिक और दीपिका ने फिल्म में जहर एक्शन सीन के लिए कितना पैसा वसूला है और फिल्म का बजट एग्जैक्टली है कितना, आइए जानते हैं। दरअसल फाइटर के मेकर्स इस फिल्म को शानदार जानदार धुआंधार बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और इसको लेकर कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं इसके स्टार कास्ट भी फिल्म को लेकर काफी सीरियस है। ऐसे में ऋतिक की फिल्म फाइटर को 350 करोड़ रुपए के बजट के साथ बनाया जा रहा है और इसमें आधा पैसा तो कास्ट की फीस गई है। जी हाँ, हाई ऑक्टेन ड्रामा के लिए ऋतिक रोशन ने 85 करोड़ रुपए चार्ज किया है, क्योंकि फिल्म के लिए ऋतिक ने खूब मेहनत की है। एयरफोर्स पायलट के लिए उन्होंने खूब ट्रेनिंग ली है। कैरेक्टर के स्किन में उतरने के लिए इस पर काम किया है। इतना ही नहीं, मेकर्स के हिसाब से फिल्म को अब तक हाई एक्शनर भारत की पहली एरियल फिल्म बनाने के लिए इसके डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने भी कोई कम रकम नहीं ली है। जी हाँ, दीपिका पादुकोण से डबल फीस चार्ज करते हुए सिद्धार्थ ने 40 करोड़ रुपए लिए हैं। इसी के साथ दावा किया जा रहा है कि दीपिका की फीस 20 करोड़ रुपए है, बाकी के स्टार कास्ट 15 करोड़ रुपए की आसपास फीस ले रहे हैं। इस लिहाज से फिल्म के बजट में टोटल 160 करोड़ रुपए चार्ज हो गया है और बाकी का पैसा इसके मेकिंग में लगाया जा रहा है, फाइटर के एक्शन में और इसके बाकी के सीन्स में लगाया जा रहा है। और अब जल्दी ही फिल्म के क्लाइमेक्स की शूटिंग भी करेंगे, जिसके लिए प्लानिंग चल रही है। जी हाँ, इस बारे में हमने आपको पहले ही अपडेट किया था कि फाइटर क्लाइमेक्स फिल्म के मेन अट्रैक्शन में से एक है और टीम इसे दर्शकों के लिए एक बड़ा मेजर हाइलाइट्स बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसे एक्शन से भरपूर क्लाइमेक्स सीन के लिए टीम 120 घंटे से अधिक समय तक शूटिंग करेगी। जी हाँ, ये एक एक्शन क्लाइमेक्स होने वाला है और इसमें ऋतिक ही नहीं बल्कि दीपिका, अनिल कपूर भी शामिल होंगे। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 350 करोड़ के बजट के साथ इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ बन रही ये फिल्म अब जब अगले साल जनवरी में थिएटर में आएगी तब दर्शक किस हिसाब से इस पर प्यार बरसाएंगे। खैर, आप बताइए ऋतिक, दीपिका और फिल्म के डायरेक्टर के हाई फीस चार्जिंग पर आपका क्या कहना है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।